नमस्कार, मैं राहुल सिंघल स्वास्तिक जेम्स एंड ज्वेल्स चंडीगढ़ से अपनी पूरी टीम के साथ जेम्स इन्फो सीरीज बाय राहुल सिंघल में आप सभी का स्वागत करता हूं और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम आशा करते हैं कि आपका आने वाला समय मंगलमय हो। मंगल, जी हाँ, आज हम मंगल से रिलेटेड जेमस्टोन्स यानी मूंगा के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मूंगा कब, क्यों, कहाँ, कैसे पहना जाता है, हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। इससे रिलेटेड आपको बहुत सा मटेरियल YouTube वगैरह पे मिल जाएगा। और कभी कोई किसी को रेकमेंड करता है, कभी कोई एस्ट्रोलॉजर या पंडित किसी को रेकमेंड करता है, तो वो भी बताते हैं कि मूंगा किस में डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, किस दिन डालना चाहिए, तो हम उसके बारे में आज नहीं बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब के रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आगे के लिए आपको हमारी नोटिफिकेशंस, हमारे अपडेट्स मिलते रहें। मूंगा, जिसे इंग्लिश में कोरल, अरबी या फारसी में मरजान और संस्कृत में परवाल भी कहा जाता है, यह बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। कोरल यानी मूंगा मुख्य रूप से इटली, जापान, अल्जीरिया, ताइवान, US, भारत में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित मूंगा इटली का रहता है। जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं वो इटली का मूंगा होता है। दूसरे नंबर पर जापानी मूंगा यूज़ किया जाता है, जो नॉर्मल इटली के मूंगे से थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। कोरल यानी कि मूंगा मुख्य रूप से हमने देखा होगा कि कैप्सूल शेप में, ओवल शेप में, ट्रायंगल शेप में और गोल शेप में पाया जाता है। इसकी जो कॉस्टिंग है वो मुख्य रूप से इसके आकार, इसकी क्लैरिटी मतलब सफाई इसकी, इसके ओरिजिन और इसके कलर के ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादातर इटालियन मूंगा जो होता है वो एक ही कलर में मिलता है, जबकि जापानी मूंगे में आप देखेंगे कि उसके पिछली तरफ कुछ वाइट धारियाँ, सफ़ेद धारियाँ रहती हैं। एक ओरिजिनल मूंगे को, एक असली मूंगे को आप उसके टेक्सचर से पहचान सकते हैं। जब हम उसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो उसके ऊपर हमें बिल्कुल बारीक धारियाँ, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वैसी धारियाँ नज़र आएंगी। यह अमूमन एक लकड़ी की तरह प्रतीत होता है और अब तक यही माना गया है कि जो मूंगा है ये समुद्र के नीचे पाई जाने वाली लकड़ी या फिर एक वनस्पति है। बहुत से लोग अभी भी यही मानते हैं कि समुद्र के नीचे पाई जाने वाली वनस्पति होती है मूंगा। लेकिन दोस्तों, यह बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मूंगा होता है, जो कोरल होता है, वो बेहद सूक्ष्म समुद्री जीव होता है, जो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ये सूक्ष्म समुद्री जीव अपने आसपास एक कैल्शियम कार्बोनेट की शेल बना लेता है, जिसके अंदर वो रहता है और उसी के अंदर उसका जीवन काल समाप्त होता है। ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ते जाते हैं जैसे कि कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, जैसे कि कोई पौधा ग्रो कर रहा है, इसलिए हमें ये वनस्पति की तरह प्रतीत होता है। जब ये लाखों करोड़ों शेल्स एक दूसरे के साथ चिपक कर रहते हैं तो एक ये श्रृंखला बनाते रहते हैं, उस श्रृंखला को कोरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है। ये जो समुद्री जीव है, ये जो मूंगा होता है, इसको कोरल पॉलिप बोलते हैं और ये एक जेली की तरह होता है, मतलब इसके अंदर किसी तरह का कोई हड्डियां का ढांचा नहीं होता, इसके अंदर कोई ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर नहीं होता। ये जो है ये ना तो चल सकता है, ना ही तैर सकता है, ना ही देख सकता है और ना ही इसका दिमाग होता है। तो दोस्तों, सरल भाषा में जो हम मूंगा यूज़ करते हैं वो एक सूक्ष्म समुद्री जीव द्वारा तैयार किया गया कैल्शियम कार्बोनेट का ढांचा होता है, जिसके अंदर वो रहता है और उसी के अंदर उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। और हम उसको फिर जब निकालते हैं, उसकी घिसाई होती है, उसकी पॉलिशिंग होती है, उसके बाद वो एक रत्न के रूप में हमारे हाथ में आता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि मूंगा एक ऑर्गेनिक स्टोन होता है, एक जीव के द्वारा तैयार किया गया स्टोन होता है, तो ये कुछ टाइम बाद घिसना शुरू हो जाता है, पहनने के बाद कुछ टाइम बाद घिसना शुरू हो जाता है। अक्सर हमने देखा है कि कस्टमर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जो मूंगा हमने डाला था वो हिलने लग गया है, उसका रीज़न ये है कि वो घिस जाता है। अगर हम मूंगे के रंग की बात करें तो मूंगा कई कलर्स में पाया जाता है, कई रंगों में पाया जाता है, लेकिन आमतौर पर जो एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज़ किया जाने वाला मूंगा है वो लाल रंग में और सफ़ेद रंग में होता है। पर दोस्तों, हमने कभी कभी यह देखा है कि कभी कोई कस्टमर को हम मूंगे के रेट कम बता दें तो उनके मन में वहम आ जाता है कि ये मूंगा नकली होगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि मूंगे का जो रेट है वो उसके कलर, उसकी सफाई और उसके ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मूंगा महंगा ही हो, वो मूंगा सस्ता भी हो सकता है, इसलिए कभी उसको कीमत से मत आंकें। और हमने कई वीडियोस में भी ये देखा है कि ऑडियंस को ये बताया जा रहा है कि जो धागे मूंगा है वही असली होता है और असली मूंगे के ऊपर
निशान आते ही आते हैं, नकली मूंगे ऊपर निशान नहीं आते। लेकिन ये भी सच नहीं है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मूंगा जितना साफ़ होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उसका रेट भी उससे बढ़ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि दागी मूंगा ही असली होगा, साफ़ मूंगा भी असली होता है। दोस्तों, मार्केट में असली मूंगे के साथ साथ नकली मूंगा भी बेचा जाता है, तो हमारी ऐसे लोगों से अपील है, गुजारिश है कि कृपया वो कुछ प्रॉफिट के लिए, कुछ मार्जिन के लिए लोगों के विश्वास को मत तोड़ें। और कस्टमर से भी हमारी गुजारिश है कि वो जब भी कोई जेमस्टोन्स खरीदने के लिए जाएं तो अपने विश्वास पत्र ज्वेलर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और सर्टिफाइड जेमस्टोन्स ही खरीदने का प्रयास करें। समय के अभाव के कारण आज हम मूंगे की बेसिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहे हैं, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में हम मूंगे से रिलेटेड, इसके टेक्निकल पैरामीटर से रिलेटेड और भी पहलुओं पर नज़र डालेंगे, ताकि अगर आप दुकानदार हैं तो आपको बेचते हुए, और अगर आप कस्टमर हैं, खरीदार हैं, तो आपको खरीदते हुए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और मूंगा से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी या कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए जेमस्टोन के साथ और उससे जुड़े रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।